नमस्कार दोस्तों, हेमा किचन हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का रेसिपी मैं क्या बनाऊंगी, चलिए आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमने पालक लिया हुआ है, ये हरा धनिया का पत्ती, ये हरा लहसुन का पत्ती हमने चार लिया, ये हरा मिर्च हमने चार लिया हुआ है, ये छह आलू हमने इसका छिलका जो है कि धोकर छील लिया है। तो यहाँ हमने सोवा लिया हुआ है, ये हरा प्याज है, ये बैगन, ये हरा मटर, दो टमाटर। तो मैं इसे बारीक बारीक सब कट कर ले रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ तो फ्रेंड, हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं क्या बनाऊंगी। तो दोस्तों, मैं सब्जी बनाऊंगी तो इसमें मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, वैसे साग जैसे मैं बनाऊंगी। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हमने चूल्हे में आग को जला लिया है, बहुत अच्छे से जल रहा है। मैं इस पे कढ़ाई रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तो दोस्तों, मैं तड़का में क्या क्या ली हूँ तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ हमने थोड़ा सा हींग लिया हुआ है, यहाँ पचफोरन लिया हुआ है, और ये जीरा, ये कोहड़ौरी। तो दोस्तों, इसमें गरम मसाला, अदरक, हरा मिर्च और उड़द का दाल इसमें पड़ा हुआ है, तो मैं इसी का तड़का लगाऊंगी। हमारी अच्छे से गर्म है, मैं इसमें राई का तेल डाल ले रही हूँ, सरसों का तेल। तो तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है फ्रेंड, मैं जो कि तड़का में इस साथ में सब डाल दे रही हूँ। तो अच्छे से इसे भून लेती हूँ। तो तड़के हमारे जो है कि पक चुके हैं, मैं इसमें हरा मिर्च, ये हरा प्याज, ये हरा लहसुन, आप चाहे तो हरा सूखा लहसुन और सूखा जो है कि प्याज भी डाल सकते हैं, तो मैं हरा डाल रही हूँ। तो तड़के हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, मैं हरा मटर डाल के फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, ये बैगन भी डाल दे रही हूँ, इसे भी थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, एक मिनट के लिए ढक के पकाना है ताकि ये बैगन अच्छे से गल जाए, तो उसके बाद मैं सारी सामग्री डालूंगी इसमें। तो मैं इसे खोल के चेक कर ले रही हूँ हमारा ये बैगन फ्राई हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, ये फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें आलू डाल दे रही हूँ। तो आलू को अच्छे से भुनना है। तो दोस्तों, मैं इसे ढक के पका लेती हूँ आलू को अच्छे से। तो आलू वगैरह अच्छे से दोस्तों पक चुका है, अब मैं इसमें पालक डाल दे रही हूँ। तो ये पालक भी डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये टमाटर मैं डाल दे रही हूँ अच्छे से, ये भी पालक गल जाएगा। तो ये सोया ये भी डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों, सोया डालने से जो है कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, अच्छा लगता है खाने में भी। तो मैं ये स्वाद अनुसार नमक भी डाल दे रही हूँ। तो अब इसे अच्छे से थाली से ढक के पका लेती हूँ। पालक के सहारे से हमारा जो है कि सब्जी बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक चक्कर ले रही हूँ ढक्कन हटा के। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, पालक के सहारे से ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी सब्जी कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे ना तो बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे ऐसी सब्जी। हाँ तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारी ये सब्जी कितने अच्छे से पक रही है। तो दोस्तों, हमने गरम मसाला वगैरह नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो दो मिनट के लिए हमें और पकाना है, उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा, सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो है कि ये सब्जी बनके तैयार है। ये देखो, कढ़ाई में चिपकने लगा है, धर रहा है, तो ये पक चुका है। तो मैं इसी वक्त ये हरा धनिया का पत्ती डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ। तो अच्छे से मैं इसे मिला दे रही हूँ। तो दोस्तों, आप ये सब्जी दाल चावल पूड़ी पराठा रोटी के साथ में खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर बनाइएगा इस तरीके से।
सर्दी के मौसम में दोस्तों ये सब सब्जियां इसी प्रकार से बनाई जाती हैं, तो आप लोग भी बनाइएगा। और हमारी सब्जी कैसे लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों हमारा घर में गरम साग जो है कि बन के तैयार है, स्वाद से भरपूर और लाजवाब है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी बनाइएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।